वेल आज वी नो कि कितनी मोहब्बत है नाम के सीरियल के साथ करण कुंद्रा ने टेलीविजन इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया। एकता कपूर ने उन्हें स्पॉट किया था फेसबुक के पोस्ट पर। जी हाँ, फेसबुक पे किसने सोचा था कि करण कुंद्रा एक फ्रेंड रिक्वेस्ट बस भेज देंगे एकता कपूर को, और उसके बाद एकता कपूर इज गोइंग टू स्पॉट हिम, नोटिस हिम एंड कास्ट हिम इन हिज वेरी फर्स्ट सीरियल, वो भी एकता कपूर के साथ। एंड कितनी मोहब्बत है ऑब्वियसली वेंट ऑन टू बिकम अ सुपरहिट सीरियल। पार्ट वन पार्ट टू दो दो सीजन आए और उसके बाद तो करण कुंद्रा की लाइफ ही बन गई। वेल, पहली मीटिंग उनके आखिर कैसे थी एकता कपूर के साथ और क्यों एकता कपूर से मिलने के लिए करण कुंद्रा डर रहे थे, चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल, करण कुंद्रा 2008 के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे वो बॉम्बे में उनकी सवारी जो है पहुँचती अराउंड 11:30ish। उसके बाद जो एकता की टीम है उनसे वो फ़ोन पे कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उन्होंने कहा अच्छा आप ठीक है 11:30 तक आ रहे हो ना, ओके 12:30-1 बजे तक पहुँच जाओ। तो करण कुंद्रा को थोड़ा सा पहले डर लग गया कि रात के 1 बजे कौन मीटिंग रहता है, 12:30-1 बजे मीटिंग, आखिर ये सब कुछ ठीक तो है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है मेरे साथ, मतलब कोई मेरे साथ प्रैंक तो नहीं खेल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं मुंबई में पहली बार आया हूँ इस तरीके से काम के लिए एंड आई हैड नो आइडिया दैट रात को कोई मीटिंग रखता है या नहीं। मैंने लिटरली कैब ली, आई रीच्ड बालाजी हाउस और मैं बालाजी हाउस पहुँचता हूँ, मैंने ऐसा यू नो गेट से जस्ट बाहर अंदर देखा, आई सॉ वहाँ पे 4-5 कार्स पार्क थी एंड ऑब्वियसली देर वर 30-35 पीपल आई थिंक रनिंग अराउंड हियर एंड देयर। तब मुझे देख के रियलाइज हुआ ओह यहाँ पे लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ प्रैंक नहीं हो रहा है, नो बडी इज ट्राइंग टू मेक अ फूल आउट ऑफ मी, मुझे एक्चुअली बुलाया। तो करण अंदर जाते हैं, एकता कपूर से मिलते हैं एंड एकता कपूर ने देखते ही कह दिया सी आई एम मेकिंग दिस पर्टिकुलर सीरियल, कई सारे लड़कों का मैंने ऑडिशन लिया लेकिन आपका वो जो एक लुक है ना, जो एक इंटेंस लुक है, दिस इज़ द लुक आई वॉन्ट फॉर माई कैरेक्टर एंड दैट्स वाई आई वॉन्ट टू कास्ट यू इन माई सीरियल, तो तुम मेरे सीरियल में काम कर रहे हो। तो करण बस हक्के बक्के रह गए, एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ स्टेयर कर रहे थे एकता को। तो एकता ने पूछा डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। उसके बाद करण वॉज लाइक या आई मीन आप एकता कपूर है, आई मीन ही वॉज स्टारस्ट्रक कि जो लेडी बॉस बैक टू बैक इतनी छोटी उम्र में सीरियल्स बना रही है, 28 सीरियल्स रनिंग है, 24/7 यहाँ पे शूट होती रहती है, उन्हें रियलाइज हुआ कि बॉस ये टेलीविजन इंडस्ट्री कभी सोती नहीं है, 24/7 काम करते रहते हैं, टेलीकास्ट हो रहा होता है, शूट हो रही होती है, नेक्स्ट डे के एपिसोड ऑन एयर जाने होते हैं, एक दिन पहले शूट चल रही है, सो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो करण वॉज लाइक या श्योर, और उसके बाद उन्हें ये सीरियल मिल जाती है, बेस्ट हेयर, बेस्ट मेकअप, बेस्ट डायरेक्टर, एवरीथिंग वाज बेस्ट एंड करण सेज आई एम क्वाइट ब्लेस्ड कि मैंने एकता कपूर के सीरियल के साथ अपनी जर्नी की शुरुआत की एंड दैट इज़ मेमोरेबल फॉर मी एंड इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी मेमोरेबल फॉर मी। सो ही इज़ फॉरएवर थैंकफुल टू एकता कपूर फॉर फाइंडिंग हिम, नोटिसिंग हिम, कास्टिंग हिम एंड मेकिंग हिज लाइफ। वेल, क्या है आपको इसके ऊपर कहना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई विल सी यू गाइस सून, टेक केयर।